अब आप कहोगे सर मुझे हर क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में जब आप जाते हो ना ऐसे ही जाते हो, एग्जाम में जब आप एडमिट कार्ड चेक कराते हो ना तो आपका मुंह कुछ इस प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने पड़ा आपका चेहरा जो है इस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप कहते हो नहीं भारत माता की जय मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, है ना, और उसके बाद आपका चेहरा फाइनली इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो ये चेहरे याद रखना, इसीलिए पढ़ना चालू करो, लेकिन एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ना दोस्तों। देखो जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम करना, हमेशा सच के साथ हमेशा रहना। अब हम क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब आप खुद समझदार हो यार। बस याद रखना समथिंग यूनिक करना, कुछ ऐसा करना जो देश के लिए हो हमेशा। ठीक है भैया, ये चार चेहरे याद रखना, पहला एडमिट कार्ड, दूसरा पहला क्वेश्चन, तीसरा मैं करके मानूंगा ऑनलाइन पढ़ाई से, और चौथा ये। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो और कहां। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कहां का मतलब है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे,